बाकी नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि मनोज तिवारी मृदुल जी किस तरह का भजन संध्या यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीनंदी स्वामी जी के जयकारा गूंज रहल बा, हमनी के इस परम सौभाग्य बा कि हमनी के बीच हमनी के स्वामी जी जौने भाव से वहाँ के हमनी के आशीर्वाद देतानी। हम सबन पे पूरा क्षेत्र पे जो कृपा बनल बा और बिना मांगले बहुत कुछ लेके भी जात बा, इस समाज की बात नहीं थे हमारे भाई लोग दीदी लोग, एकरो में भगवान की बड़ी कृपा बाटे, कहे कि जिकरा के मिले वाला बाटे होकर निर्णय भगवाने कर सके नहीं। हम लोग में शामिल भइल बानी, 3:30 बजे दिल्ली से चलनी है और आप लोग के बीच में आनी स्वामी जी के आशीर्वाद लेनी और टिकरी खाई, टिकरी और पानी। और हमारा से तनिको कम कृपा रहा सब नहीं, हमारा तो थोड़ा बहुत आप लोग पे ज्यादा ही हो। मंच पे जे जे बैठल बा सबका के हमारे प्रणाम कराते हैं। भरत भैया भी बैठले बानी, विष्णु जी के गीत सुनत रही है, कहाँ वाली बात के लोग नहीं थी। अच्छा जय हो, जय हो स्वामी, लेकिन ऐसा लागत है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से पूरा ही माँ काली माँ दुर्गा बाबा विश्वनाथ के क्षेत्र जागल बाटे। मैं एक प्रसंग गाना चाहता हूँ, जब राम जी अपने ससुराल से मने जनकपुर से वापस जाने लगे तो जनकपुर के लोग कोई चाहते नहीं रहे कि राम जी वापस जाए। समझे में आया कि यज्ञ करवावत के बाद व्यवस्था चलावत के बाद तो फिर हमरा लगेला कि करोड़ों देवता आ करके व्यवस्था चला रहल बाने, स्वामी जी बैठल बाने सब हो रहे। जी पता नहीं लोग गाड़ी का धोखा पीटी भी करने लगे, तोड़ लिया। अरविंद चौबे जी को फोन किया कि भैया हम लागत आप फसल वाले, तो चौबे जी ने एक लाइन कही कि मैंने स्वामी जी के कान में डाल दिया। ओके बार बार गड़िया बढ़े लग रही, ओके तो निश्चित है कि सृजन करने वाला भी कोई है, पालन करने वाला भी कोई है और संसार में संहार करने वाला भी रूप तो है। तो माई से पूछा किया मालिक कि कौन ले रूपे सृजन है माई जी ने बताया
भगवान